स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि कौन कौन आ गया है क्लास में तो स्वराज हेलो कैसे हो आप रेखा हाय गुड मॉर्निंग नामजन हेलो सुनीता हेलो आरती हाय मुस्कान हाय ठीक है यार जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर इस सेशन को एक बार शेयर कर दो अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स को यहाँ पर ले आओ बिदिशा गुड मॉर्निंग सिद्धांत गुड मॉर्निंग नितिन हाय अबे हाय कैसे हो आप छोटू यादव कियारा मुस्कान ध्रुव हाय प्रियांशी गुड मॉर्निंग जशन हेलो अंजलि गुड मॉर्निंग चिराग हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो आप आई एम स्नेहा स्नेहा हाय गुड मॉर्निंग ठीक है तो जिसने भी ज्वाइन कर लिया सबको हाय सबको हेलो सबको गुड मॉर्निंग हाँ जशनप्रीत गुड मॉर्निंग श्रेया हाय चिराग हाय श्रुति हेलो चलो तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ठीक है तो हमारे हिस्ट्री का एक चैप्टर है जो कि हमारे एग्जाम में आ रहा है अभी कुछ ही दिनों में एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर है ना तो बेसिकली इस चैप्टर में तुम्हें विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है तो इस चैप्टर को हम लोग आज के क्लास में फिनिश कर देंगे ठीक है और मैं तुम्हें टाइम टेबल भी बता देती हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि इस चैनल पर क्लासेस कब कब होती हैं बेसिकली दो टाइमिंग्स पर मैं लाइव आती हूँ एक तो 11 बजे आज 11 बजे वाली क्लास में हम लोग ये चैप्टर फिनिश करेंगे इसके अलावा शाम को भी 6 बजे तुम लोगों की क्लास है जिसमें हम लोग सूफी ट्रेडिशन चैप्टर को फिनिश कर देंगे ठीक है तो इन दो टाइमिंग्स को तुम लोग याद करो अलार्म लगाओ रिमाइंडर सेट करो ठीक है क्योंकि आने वाले जो कुछ दिन है इन दिनों में इन्हीं दो टाइमिंग्स पे क्लास होगी एंड इन्हीं दो टाइमिंग्स पे क्लास लगा के हम लोग अपने सिलेबस को निपटाने वाले हैं ठीक है हाँ तो कुछ दो तीन दिन की बात है उसके बाद तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे इन दो तीन दिन तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी है कंसिस्टेंसी के साथ क्लास में आना है एंड दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस अन्वेशा हाय मैं सोच ही रही थी अन्वेशा कहाँ है ओके रिजवान हाय क्लास टेंथ की क्लासेस नहीं होती क्या क्लास टेंथ कि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं ट्वेल्थ के बच्चों के बोर्ड एग्जाम अब भी चल रहे हैं इसीलिए ट्वेल्थ की क्लासेस चल रही हैं अभी एंड जब इनके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो हम बहुत ही जल्द न्यू सेशन स्टार्ट कर देंगे सारे क्लासेस के लिए चलो तो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन ठीक है एंड इम्पीरियल कैपिटल विजन अगर ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर सारे बच्चे सुपर रेडी हैं आज के क्लास के लिए जल्दी जल्दी फायर इमोजी भेज दो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अच्छा अब तुम्हें पता चल गया कि मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ तो तुमने पहले ही पढ़ दिया कॉमेंट सेक्शन पीयूष हाय कैसे हो आप अन्वेषा रेखा प्रियांशी आस्था हाँ शिवानी किस चीज का रिप्लाई चाहिए बेटा क्वेश्चन mm. पूछो अपना इंदिरा आर्मी यश चलो यार बहुत सारे फायरिंग मूवीज दिख रहे हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को तो विजयनगर ये जो नाम है बेसिकली इस नाम का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री ठीक है तो विजयनगर जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में इस नाम का एग्जैक्ट मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री ये ये एक एक शहर भी था, साथ ये एक साम्राज्य भी था था साथ साथ ही साम्राज्य तो इसके बारे में आप पूरे चैप्टर में इन डिटेल पढ़ोगे ये जो एम्पायर है इसे हमने फोर्टीन सेंचुरी में फाउंड करा था एंड जब विजयनगर अपने एकदम पीक में था तो ये रिवर कृष्णा कृष्णा नदी से लेकर एकदम साउथ के टिप तक पूरा ये जो एरिया था वो विजयनगर एम्पायर के अंडर आता था 1565 के बाद क्या होता है ये जो विजयनगर एम्पायर होता है धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाता है कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचता बाकी आसपास के जो साम्राज्य के लोग होते हैं वो यहाँ पे लूट मचा देते हैं एंड फिर लोग इस शहर को इस साम्राज्य को छोड़कर चले जाते हैं बाहर ठीक है विजयनगर एम्पायर को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसे कुछ लोग इसे हम्पी बोलते हैं और ये नाम कहाँ से आया हम्पी तो यहाँ के लोग ना एक मदर गॉडेस के ऊपर विश्वास रखते हैं जिनका नाम है पंपा देवी ठीक है तो इसी नाम से हमने एक और नाम निकाला हम्पी तो विजयनगर को हम्पी भी अक्सर बोला जाता है नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ हम्पी हमने डिस्कवर कब और कैसे करा हम्पी को या फिर विजयनगर एम्पायर को ये तुम्हें इस टॉपिक में बताया जा रहा है तो 1800 के अराउंड हमारे एक इंजीनियर थे और एंटीक्वेरियन थे ठीक है एंटीक्वेरियन का क्या मतलब होता है एक ऐसे इंसान जिन्हें एंटीक चीजों के बारे में जानना समझना अच्छा लगता है तो एक इंजीनियर थे एक एंटीक्वेरियन थे जिनका नाम था कर्नल कोलिन मैकेी ठीक है इनके थ्रू हमें धीरे धीरे हम्पी के बारे में पता लगा ठीक है नेक्स्ट धीरे धीरे ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से बहुत सारे लोग इस एरिया का एक सर्वे मैप भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट हम्पी का जो एरिया था यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे तो मंदिर में बहुत सारे प्रीस्ट पुजारी भी थे तो जो पुजारी थे उन्होंने कुछ कुछ मेनुस्क्रिप्ट लिख रखे थे कुछ कुछ स्क्रिप्ट लिखे हुए थे उनको पढ़ने के बाद भी हमें थोड़ा और अच्छे से आइडिया लगा हम्पी के बारे में एज अर्ली एज एटीन थर्टी सिक्स ठीक है हम लोगों ने देखा है कि एटीन थर्टी सिक्स के अराउंड ही हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्स मिल जाते हैं हम्पी से रिलेटेड 1856 में हमारे बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे जिन्होंने क्या करा मॉन्यूमेंट्स की फोटो वगैरह खींचकर इस एरिया को प्रिजर्व करने की कोशिश करी याद रखना इसी टाइम के अराउंड बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी थे मतलब ऐसा भी होता था कि आसपास के साम्राज्य के लोग विजयनगर को जाते थे घूमने के लिए एंड वो विजयनगर जाने के बाद कुछ कुछ लिखते थे अलग अलग भाषा में तेलुगु में कन्नड़ में तमिल में संस्कृत में तो हम लोग जब इनके अकाउंट्स को पढ़ते हैं तो भी हमें विजयनगर के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रायास नायकास एंड सुल्तान सुल्तान तो चलो ठीक है तुम दो, तुम लोग यहाँ पर फंस रहे होगे कि राय और नायका क्या होता है तो अभी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे जाएंगे तुम्हें पता चल जाएगा टेंशन नहीं लेना थोड़ा सा और समझते हैं विजयनगर के बारे में ऐसा माना जाता है कि दो भाई ठीक है हरिहरा और बुक्का ये दो भाई इन लोगों ने साथ में मिलकर विजयनगर एम्पायर को फाउंड करा था थर्टीन में एंड विजयनगर जो एम्पायर है यहाँ के लोग अलग अलग भाषा को बोलते हैं यहाँ के लोग बहुत डाइवर्स हैं, इनका कल्चर अलग है ऐसे भी हमें प्रूफ मिले अब विजयनगर किंग्स के टाइम पर और भी अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे जैसे कि डेक्कन में कुछ सुल्तान हुआ करते थे ओडिशा के जो रूलर्स थे उन्हें गजापति कहा जाता था वो उस टाइम पे रूल किया करते थे एंड हमने देखा है कि विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे वो अक्सर इन सुल्तान या गजापति के साथ लड़ते रहते थे क्योंकि ये फर्टाइल रिवर एरिया के ऊपर कब्जा करना चाहते थे ठीक है हर एक राजा चाहता था कि फर्टाइल एरिया उनके कब्जे में आ जाए ताकि वो और अच्छे से खेती कर पाए नेक्स्ट जब ये किंगडम्स आपस में इंटरैक्ट करते थे तो ये भी होता था कि इन लोगों के कल्चर आइडियाज बिलीफ ये सब एक्सचेंज होते थे हमने ये भी देखा कि विजयनगर एम्पायर का जो आर्किटेक्ट है उस आर्किटेक्चर में भी आसपास के किंगडम्स का कुछ कुछ इन्फ्लुएंस है ठीक है नेक्स्ट विजयनगर एम्पायर में जो कुछ एरियाज थे आगे जाकर बहुत सारे पावरफुल रूलर्स वहां पर आ जाते हैं जैसे तमिलनाडु में चोला किंग्स आ जाते हैं कर्नाटका में हो आ जाते हैं तो ऐसे अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूलर्स भी आ जाते हैं इसी टाइम के अराउंड बहुत सारे फेमस टेम्पल्स भी बने थे जैसे कि बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि तंजावूर में है चनकेश्वर टेम्पल जो कि बेलूर में है तो विजयनगर में जो राजा हुआ करते थे ना वो अपने आप को राया बुलाते थे ठीक है तो ये जो शब्द हमें मे भी आप लोगों को अजीब लग रहा हूँ मे भी आप लोगों को लग रहा हूँ कि इससे पहले नहीं सुना तो राया शब्द का क्या मतलब है जो विजयनगर में राजा हुआ करते थे वो अपने आप को राया बोला करते थे ठीक है एंड रायास के साथ हमने अक्सर ये देखा है कि रायास क्या करते थे ये लोग बड़े बड़े टेम्पल्स को बनाया करते थे जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे एक अलग टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक है किंग्स एंड ट्रेड्स किंग्स एंड ट्रेडर्स इसमें तुम्हें बताया जाएगा कि विजयनगर एम्पायर में ट्रेडिंग का क्या सीन रहता था तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स भी हुआ करते थे यहाँ पे हॉर्स की भी ट्रेड बहुत ज्यादा होती थी एंड जो लोकल हॉर्स मर्चेंट्स होते थे ना उनके लिए पता है क्या नाम यूज करा जाता था कुदरत चेटीज मतलब ऐसे लोग जो हॉर्स मर्चेंट्स हैं जो हॉर्स की ट्रेडिंग करते हैं 1498 तक क्या होता है पोर्चुगीज लोग धीरे धीरे हमारे इंडिया के वेस्ट कोस्ट में पहुंच जाते हैं एंड पोर्चुगीज लोग जब इंडिया में आते हैं तो इन लोगों की टेक्नोलॉजी हमसे बेटर होती है धीरे धीरे ये हमारे राजाओं के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि विजयनगर के जो मार्केट्स हैं वहां पे स्पाइसेस टेक्सटाइल्स प्रेशियस स्टोन्स ये सारी चीजें भी आती थी ठीक है बहुत हाई वैल्यूड गुड्स ज्वेलरी इन सब का भी ट्रेड विजयनगर में होता था यहां तक क्लियर है क्या सबको जरा बताना कमेंट सेक्शन में हाँ यहां तक तो इजी लग रहा है बेसिकली मतलब होल चैप्टर में यही है कि विजयनगर के बारे में तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं तुम्हें वो अच्छे से सुन लेना है बस ठीक है और कुछ नहीं अन्वेषा क्लियर है रेखा सबको क्लियर है पीयूष मुस्कान वेरी गुड हेमंत क्लियर है आपको विशाल विशाल हाय कैसे हो आप जतिन को भी क्लियर है ओके चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं दी अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर इस टॉपिक में तुम्हें बताया जा रहा है कि विजयनगर एम्पायर का एकदम पीक पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था एंड फिर तुम्हें यह भी बताया जाएगा कि विजयनगर एम्पायर कैसे खत्म हुआ डिक्लाइन हुआ ठीक है तो अलग अलग रूलर्स थे विजयनगर वाले एरिया में ठीक है तो जो सबसे पहले फर्स्ट डायनेस्टी आई थी जो सबसे पहले राजा लोग आए थे यहाँ पर वो थे संगम डायनेस्टी के लोग एंड ये लोग 1485 तक यहाँ पर होते हैं उसके बाद क्या होता है सालुवास नाम के लोग आते हैं सालुवास कौन थे ये मिलिट्री कमांडर्स थे जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं फिर वो उस साम्राज्य को संभालने लग जाते हैं मिलिट्री कमांडर्स 1503 तक पावर में रहते हैं उसके बाद तुलुवाज आते हैं तुलुवाज एक दूसरी डायनेस्टी है जो उनको हटा देते हैं अब तुलुवा डायनेस्टी से एक बहुत फेमस हमारे राजा थे कृष्णदेव ठीक है कृष्णदेव राय के रूल के अंडर विजयनगर एम्पायर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है तो कृष्णदेव राय ऐसा क्या करते हैं वो थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं ठीक है तो कृष्णदेव राय ने क्या करा तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के आसपास का जो इलाका है तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा करा फिफ्टीन में उसके बाद उड़ीसा के राजाओं को हराया कृष्णदेव राय ने फिफ्टीन में उसके बाद 15 20 तक आते आते 15, 20 तक आते आते कृष्णदेवर आया क्या करते हैं बीजापुर के सुल्तान को भी हरा देते हैं मतलब कृष्णदेवर आया के अंडर बहुत बढ़िया तरीके से विजयनगर एम्पायर ग्रो कर रहा था ठीक है तो इनके किंगडम में ना हमेशा कोई ना कोई लड़ाई चलती रहती थी मिलिट्री हमेशा तैयार रहती थी पर इसके बावजूद हम ओवरऑल कह सकते हैं कि विजयनगर का जो एम्पायर है वहां पे बहुत पीस एंड प्रोस्पेरिटी होती थी लोग शांति में रहते थे वहां डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होता था कृष्णदेव राय ने हम हमने ये भी देखा कि कृष्णदेव राय के अंडर बहुत सारे आ, बहुत ही बढ़िया टेम्पल्स का भी कंस्ट्रक्शन हुआ एक और चीज करते हैं कृष्णदेव राय वो एक और टाउन बनाते हैं विजयनगर के पास और उस टाउन का नाम होता है नागलापुरम ठीक है ये अपने मदर के नाम के ऊपर इस टाउन का नाम रखते हैं नागलापुरम ठीक है तो ये सारी चीजें आपको कृष्णदेव राय के बारे में याद रखनी है तो बहुत बढ़िया कर रहे थे कृष्णदेव राय उसके बाद क्या होता है फिफ्टीन ट्वेंटी नाइन तक आते आते कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है अब यहां से विजयनगर में दिक्कत आने लग जाती है कृष्णदेव राय के बाद कोई बढ़िया लीडर नहीं आते कोई बढ़िया राजा नहीं आते जिसकी वजह से हमारा एम्पायर डिक्लाइन करने लग जाता है तो कृष्णदेव राय के बाद कौन आते हैं मिलिट्री लीडर्स आते हैं जो अच्छे से संभाल नहीं पाते साम्राज्य को इस टाइम के अराउंड क्या होता है 15, के अराउंड क्या होता है लोग आ जाते हैं ठीक है कृष्णदेवर आये के बाद नेक्स्ट लोग कौन संभालना स्टार्ट करते हैं विजयनगर को इन लोगों को कहा जाता है अरवीडू ठीक है एंड ये कुछ सेवेंटीन सेंचुरी के अराउंड तक पावर में रहते हैं अब इस टाइम के अराउंड क्या होता है मैंने आपको बताया था जब कृष्णदेव राजा थे तो आसपास और भी साम्राज्य थे जैसे डेक्कन में सुल्तान थे उड़ीसा में भी हमारे गजापति हुआ करते थे तो ये सारे लोग मिलकर क्या सोचते हैं कि हम सारे लोग साथ में मिलके विजयनगर के राजा को हरा देते हैं तो ये आसपास के जितने भी लोग थे इन लोगों ने साथ में मिलके काम करा और ये लोग क्या करते हैं विजयनगर के राजा को हरा देते हैं ठीक है तो 1565 में क्या होता है राम राय उस टाइम पे विजयनगर में मिलिट्री चीफ थे ये युद्ध करने जाते हैं राक्षसी तानगढ़ी एक जगह का नाम है उस जगह पर जाते हैं ये युद्ध करने के लिए पर जाहिर सी बात है राम राय एक ही मिलिट्री पर्सन है एंड उनके खिलाफ बाकी सारे राजाओं ने अलायंस बना ली है तो राम राय इस लड़ाई में हार जाते हैं जैसे ही ये हारते हैं सारे राजा क्या करते हैं विजयनगर जाते हैं वहां पे लूट मचाते हैं एंड फिर कुछ सालों के बाद विजयनगर में लोग रहना ही बंद कर देते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि विजयनगर कुछ सालों के बाद हमारा अबैंड हो जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी है अब देखो क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसा बताया कि सारे राजा लोग मिलकर विजयनगर के ऊपर अटैक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे राजा लोगों की बिल्कुल नहीं बनती थी विजयनगर के साथ ठीक है जब कृष्णदेवर आया थे ना उस टाइम के अराउंड विजयनगर के रिलेशन बाकी राजाओं के साथ अच्छे थे तो मैं इसका तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जैसे कृष्णदेव राय ना बहुत प्राइड के साथ बोलते थे कि वो एस्टैब्लिशर है यवना किंगडम के तो कृष्णदेव राय ने पास में ही एक किंगडम बनाने में मदद करी थी यवना किंगडम को एस्टैब्लिश करने में मदद करी थी ठीक है नेक्स्ट आसपास के जो राजा लोग हैं ना इन्होंने भी कृष्णदेव राय के किंगडम की मदद करी थी तो जब कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है तब विजयनगर की स्टेबिलिटी एकदम टूट रही होती है ना तो उस टाइम के अराउंड हमारे जो आसपास के राजा हैं वो विजयनगर एम्पायर की हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो मतलब इनके रिलेशन काफी हद तक ठीक थे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द रायास एंड द नायकास राया तो हमने समझ लिया है ना राया क्या होते हैं जो भी वहां के राजा लोग थे वो अपने आप को राया बुलाते थे नायका क्या होते हैं अब हम ये समझना स्टार्ट करते हैं तो विजयनगर एम्पायर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा होती थी जो मिलिट्री के हेड होते थे ऐसे लोगों को नायकास कहा जाता था ठीक है तो नायकास कौन है ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर है अक्सर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे एंड इनके साथ साथ बहुत सारे फार्मर्स भी ट्रैवल करते थे इस उम्मीद में कि जहां पर भी नायका जाकर सेटल होंगे हम लोग वहीं पर खेती करना स्टार्ट कर देंगे हमें प्रोटेक्शन मिलेगी अक्सर नायकास अलग भाषा बोलते थे तेलुगु बोलते थे कन्नड़ भी बोलते थे ठीक है एंड काफी स्ट्रांग होते थे कई बार तो ऐसा भी होता था कि नायका इतने स्ट्रांग हो जाते थे कि वो राजा के नीचे काम करना छोड़ देते थे और खुद का साम्राज्य बना लेते थे विजयनगर नगर एम्पायर में नायका का क्या काम होता था अगर आपको याद हो तो आपको छोटी क्लास में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में एक सिस्टम था टैक्स का जिसे हम इखता सिस्टम कहते हैं तो अगर आपको याद है तो बढ़िया अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है मैं अभी आपको बताती हूँ क्या था आपको बस ये बताया जा रहा है कि विजयनगर नगर एम्पायर में जो नायक थे उनका यही काम था एकता सिस्टम जैसा काम था तो क्या होता था नायक को ना एक जगह पकड़ा दी जाती थी मान लो ये कोई जमीन है ये ये कोई एरिया है, ये एरिया है पकड़ा दिया किसी एक नायक को. नायक को एंड से बोला जाता था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करना तुम्हारा काम है तो नायक इन सारे लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे अब इस टैक्स का थोड़ा सा हिस्सा नायक अपने पास रखते थे अपने पर्सनल यूज कर पर्सनल uh, यूज के लिए अपने खर्चे निकलवाने के लिए एंड बाकी हिस्सों का वो क्या करते थे बाकी पैसों से वो अपनी मिलिट्री मेंटेन करते थे सोल्जर्स का ध्यान रखते थे आर्मी के ऊपर खर्चा करते थे ठीक है अब अगर कल को कोई अटैक होता है और अगर राजा को मिलिट्री की जरूरत पड़ती है तो नायक क्या करेंगे नायक अपनी आर्मी राजा को दे देंगे तो ये काम होता था नायक का राजा की सपोर्ट करना राजा को सपोर्ट करना कई बार ऐसा भी होता था कि जो नायक हैं वो राजाओं को अलग अलग टाइप के गिफ्ट दिया करते थे राजाओं को खुश करने के लिए ठीक है कभी कभी इन्हें टैक्स से जो पैसा मिलता था नायक को वो टेम्पल के मेंटेनेंस में इरिगेशन के काम पर भी लगा दिया जाता था ठीक है तो नायक को क्या करना होता था एनुअली राजा को कुछ कुछ पैसे देने पड़ते थे ये दिखाने के लिए कि वो राजा के नीचे काम करते हैं और राजा पता है कभी कभी नायक को ट्रांसफर भी कर देते थे ठीक है राजा के हाथ में भी तो कोई पावर होनी चाहिए राजा क्या करते थे नायक को अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह कभी भी ट्रांसफर कर दिया करते थे ठीक है पर सेवेंटीन सेंचुरी के अराउंड विजयनगर नगर एम्पायर के बहुत सारे नायक क्या करते हैं वो राजा के अंडर काम करना छोड़ देते हैं और खुद का साम्राज्य बनाने लग जाते हैं ये भी एक कारण था जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया चलो यहां तक क्लियर है क्या सबको हाँ अनवेशा बिल्कुल सेवेंथ में पढ़ाया जाता है तुम्हें इक्ता सिस्टम के बारे में ठीक है हाँ तनुश्री सही समझ रहे हो आप वेरी गुड सबको क्लियर है हाँ पीयूष तुम्हें इस टॉपिक में नायक के बारे में पढ़ाया गया जो कि मिलिट्री के लीडर हुआ करते थे और राजा के अंडर काम करते थे चलो सभी को क्लियर है बहुत सारे फायर इमोजीज़ दिख रहे हैं मुझे बहुत बढ़िया नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं विजयनगर कैपिटल एंड इट्स एनविरोन्स तो बेसिकली इस टॉपिक में तुम्हें विजयनगर के बारे में पूरा प्रॉपरली समझाया जा रहा है कि वहां का आर्किटेक्चर कैसा था स्ट्रक्चर कैसा था प्लानिंग कैसा था सब समझाया जा रहा है तो सबसे पहले समझते हैं विजयनगर एम्पायर के वाटर रिसोर्सेस को पानी का वहां पे क्या सीन रहता था ये समझते हैं तो विजयनगर एम्पायर के पास ही एक नदी थी जिसे हम कहते हैं तुंगभद्रा ठीक है तो तुंगभद्रा नदी से इनका बहुत सारा काम निकलता था ठीक है आसपास बहुत सारे हिल्स भी थे और तुंगभद्रा नदी भी थी ठीक है तो ये लोग क्या करते थे तुंगभद्रा नदी के आसपास ये लोग रेजर्वयर्स बना देते थे रेजर्वयर्स मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर ये लोग पानी को स्टोर करके रखते थे ठीक है तुम्हें ये भी पढ़ाया जाता है कि विजयनगर का जो एम्पायर है ना वो सेमी एरिड रीजन में आता है मतलब वहां पे बहुत ज्यादा कुछ बरसात वगैरह नहीं होती तो ये लोग नदी के पानी को रेजर्वयर्स में स्टोर करके रखते थे ठीक है तो बहुत सारे टैंक्स भी ये लोग बनाते थे इन टैंक्स में से एक टैंक जो सबसे इंपॉर्टेंट है फेमस है उस टैंक का नाम है कमलापुरम टैंक ठीक है एंड इन सारे टैंक्स को क्यों यूज करा जाता था इरिगेशन के लिए भी यूज करा जाता था एंड इन टैंक्स को ना रॉयल सेंटर के साथ भी कनेक्ट कर रखा था मतलब राजा राजा लोग जहां पे रहते थे उनके साथ भी कनेक्ट कर रखा था ताकि उन तक भी पानी पहुंचे कैनाल सिस्टम भी था इनके पास तो आ, हिरिया कैनाल ठीक है ये भी एक कैनाल था जो कि इन लोगों ने बनाया था एंड कैनाल्स अगेन इनके अलग अलग एरियाज के साथ कनेक्टेड थे जो पूरा इलाका था ना विजयनगर का हम उसे ऊपर ऊपर से अगर देखें तो दो हिस्सों में बांट सकते हैं एक इलाके को हम अर्बन कोर कहते हैं अर्बन कोर मतलब जहां पे नॉर्मल लोग रहते थे ठीक है और दूसरा जो इलाका था उसे सेक्रेट सेंटर कहा जाता था सेक्रेट सेंटर मतलब जहां पे मंदिर ज्यादा थे जहां राजा रानी के घर भर थे पैलेस थे उसे सेक्रेट सेंटर कहा जाता था तो ये जो कैनाल्स थे ये इन दो एरियाज के साथ कनेक्टेड होते थे ताकि बाकी लोगों को भी पानी मिले नेक्स्ट टॉपिक है फोर्टिफिकेशन एंड रोड ठीक है तो एक बार क्या होता है पर्शिया के जो राजा थे वो एक एम्बेजेडर को विजयनगर भेजते हैं और उस एम्बेसिडर का नाम होता है अब्दुल राजक तो अब्दुल राजक जब आते हैं फिफ्टीन सेंचुरी के अराउंड विजयनगर में तो वो विजयनगर को देखने के बाद कुछ कुछ चीजें लिखते हैं उन्होंने जो लिखा उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला तो अब्दुल रजाक ने ये चीज बार बार लिखी थी कि विजयनगर का जो इलाका है वहां पे फोर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा है मतलब बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे वॉल्स और दीवार डिफेंस बहुत बढ़िया तरीके से बिल्ड कर रखा है तो बहुत सारे वॉल्स थे एक एक करके वॉल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो सबसे बाहर वाला वॉल था ना वो क्या करता था इट लिंक द हिल्स सराउंडिंग द सिटी ठीक है शहर के आसपास जो हिल्स थे उनको लिंक करने के लिए एक वॉल बना रखा था ठीक है नेक्स्ट बीच बीच में इनके जो वॉल्स थे इधर उधर थोड़े थोड़े टूट रखे थे पर ओवरऑल इनके वॉल्स बहुत बढ़िया थे इन वॉल्स के बारे में एक चीज याद रखना ये लोग सीमेंट यूज नहीं करते थे ठीक है पर इनके वॉल्स इतने बढ़िया होते थे बिना सीमेंट के भी बहुत प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ इन लोगों ने वॉल को बना रखा था नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तुम्हें और बता रखा है वॉल्स के बारे में हमने देखा कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का इलाका होता है ना मान लो कोई एक एरिया है जहां पे हमारे फार्मर्स खेती करते हैं तो उस एरिया के आसपास भी विजयनगर में इन लोगों ने वॉल बना रखा था ठीक है अब इसका क्या रीजन हो सकता है ये हमने बाकी इलाकों में नहीं देखा ये इस एरिया के बारे में थोड़ी यूनिक बात है कि ये लोग एग्रीकल्चर एरिया को भी दीवार से ढक कर रखते थे तो इसका क्या कारण है इसे हम थोड़ा इन डिटेल समझते हैं कई बार क्या होता है जब आ, बाहर की कोई मान लो कोई और राजा विजयनगर के ऊपर अटैक कर रहा है तो वो क्या करेंगे वो सबसे पहले एग्रीकल्चर वाले इलाके को खराब कर देंगे ताकि विजयनगर के जो लोग हैं वो खाना ना खा पाए परेशान हो जाए और मतलब उन्हें हराना आसान हो जाए तो एग्रीकल्चर किसी भी साम्राज्य में इंपॉर्टेंट होता है है ना एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने बहुत सोच समझ के वॉल का कंस्ट्रक्शन करा था नेक्स्ट इनके आर्किटेक्चर फीचर में एक और बहुत बढ़िया चीज है बहुत प्यारे प्यारे गेटवेज बनाते थे ये लोग एंड इनके गेटवेज में ना बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग भी हो रखी हो, आ, होती थी ठीक है हमारे हिसाब से जो टर्किश सुल्तान हैं उनके आर्किटेक्चर से विजयनगर को ये आइडिया मिला कि हम भी प्यारे प्यारे गेटवे बना सकते हैं इस टाइप के आर्किटेक्चर को इंडो इस्लामिक कहा जाता है आर्किटेक्चर का ये जो स्टाइल है इसे इंडो इस्लामिक कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन कोर ठीक है अर्बन कोर में तुम्हें बेसिकली अभी मैंने बताया ना तुम्हें विजयनगर के दो हिस्से थे एक अर्बन कोर जहाँ पे नॉर्मल लोग रहते थे और एक सेक्रेट सेंटर जहाँ पे टेम्पल्स थे और राजा रानी थे तो अर्बन कोर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं तो मैंने तुम्हें बार बार बताया हिस्ट्री में कि साधारण लोगों का एविडेंस ना हमें नहीं मिल पाता राजा रानी बहुत लिखते थे उनके पास बहुत सारे पोएट्स होते थे तो उनके बारे में पता चल जाता है पर जो साधारण लोग थे उनकी हिस्ट्री पता लगाना मुश्किल है सेम चीज विजयनगर में भी था हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें ऑर्डिनरी पीपल के घर के बारे में ज्यादा एविडेंस वो नहीं निकाल पाए पर हाँ हमने ये थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाया कि शायद इस इलाके में रिच ट्रेडर्स रहते थे ठीक है शायद इस इलाके में मुस्लिम लोग भी रहते थे ठीक है नेक्स्ट जब हमने इन डिटेल फील्ड सर्वे करा इस एरिया का तो हमें पता चला कि इस एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स भी थे तो हमने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग भगवान के ऊपर भी विश्वास रखते होंगे ठीक है इस एरिया में हमें वेल का भी साइन मिला कुएं हुआ करते थे रेन वाटर टैंक्स हुआ करते थे टेम्पल टैंक्स हुआ करते थे तो पानी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट यहां पर भी था नेक्स्ट रॉयल सेंटर के बारे में पढ़ते हैं रॉयल सेंटर या फिर सेक्रेट सेंटर ठीक है सेक्रेट सेंटर क्या था यहां पर जब हमने रिसर्च करी तो हमें पता चला कि कुछ सिक्सटी टेम्पल्स थे ठीक है कुछ सिक्सटी टेम्पल्स वहां पर थे ओके okay, नेक्स्ट हमें और पता लगा कि थर्टी और ऐसे बिल्डिंग्स थे जहां पर हमारे हिसाब से राजा रानी जैसे लोग रहते होंगे ठीक है अब जो टेम्पल्स थे ना टेम्पल्स को एकदम बहुत क्वालिटी के साथ बढ़िया पत्थरों के साथ बनाया जाता था पर राजा रानी के जो घर थे वो भी मतलब बढ़िया क्वालिटी के बने हुए थे पर वो इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर से नहीं बने हुए थे कि वो बहुत लंबे सालों तक चल जाए ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक है तुम्हारा महानवमी डिब्बा ठीक है महानवमी डिब्बा क्या है ये समझते हैं ठीक है तो जब हमने थोड़ा और रिसर्च करा इस एरिया में तो हमें बहुत सारी चीजें मिली एक हमें एक किला मिला एक पैलेस मिला जिसका हमने नाम ही रख दिया द किंग्स पैलेस क्योंकि हमारे अंदाजे से शायद वहां पे राजा रानी रहते थे पर हमारे पास कोई एकदम स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है इसके अलावा हमें एक प्लेटफॉर्म मिला प्लेटफॉर्म मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि एक स्टेज की तरह एक इलाका मिला जिसे हम ऑडियंस हॉल कहते हैं और महानवमी डिब्बा कहते हैं ठीक है तो महानवमी डिब, डिब्बा क्या है बेसिकली एक स्टेज की तरह एक एरिया है और ऑडियंस हॉल क्या है स्टेज के आसपास एक हॉल जैसा इलाका है जहां पर हमारे हिसाब से ऑडियंस रहती होगी तो ये जो पूर, पूरा इलाका है यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची डबल दीवारें हैं मतलब यहाँ पे डिफेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है एंड ये जो प्लेटफॉर्म है जिसको मैं बार बार स्टेज कह रही हूँ ये जो प्लेटफॉर्म है हमारे अंदाजे से इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए वुडन पिलर्स की भी जरूरत पड़ी होगी यहाँ पे स्टेर ठीक है यहाँ पे स्टेप्स भी बना रखे हैं ओके okay? तो और बता रखा है तुम्हें महानवमी डिब्बा के बारे में ठीक है कि ये जो पूरा बेस था इस महानवमी डिब्बा का ये 11,000 स्क्वायर फीट का था एंड हाइट कितनी थी इस प्लेटफॉर्म की फोर्टी फीट की हाइट थी ठीक है एंड हमारे पास थोड़ा थोड़ा प्रूफ है जिसके थ्रू हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इस platform को बनाने में वुडन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी होगी नेक्स्ट ये जो प्लेटफॉर्म है आप अगर इस प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखो तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ कुछ कार्विंग हो रखी है कुछ कुछ ड्रॉइंग्स वगैरह हो रखी हैं एंड ये जो ड्रॉइंग्स है ना इसमें जो हमारा हिंदू फेस्टिवल होता है महानवमी महानवमी रिलेटेड कुछ कुछ ड्राइंग हो रखी है तो मे भी हमारे हिसाब से ये लोग दशहरा या फिर दुर्गा पूजा या फिर नवरात्रि इन सारी चीजों को मनाते होंगे ठीक है तो ये सारी चीजें तुम्हें बताई जा रही हैं जो हमारे विजयनगर किंग्स थे विजयनगर के जो भी राजा थे वो बहुत आ, ज्यादा जोश के साथ इन सारे फेस्टिविटीज को मनाते होंगे ये एक टाइम होता है राजाओं को ये दिखाने का राजा ये दिखा पाते हैं अपनी प्रजा को अपनी जनता को कि हमारे पास बहुत पैसे हैं हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं इस टाइम पर मे भी आसपास के लोग डांस करते होंगे रेसलिंग मैचेस होते होंगे ठीक है अलग अलग एनिमल्स को ये लोग डिस्प्ले पे रखते होंगे सोल्जर्स भी आते होंगे राजा बहुत सारे गेस्ट को भी बुलाते होंगे ये सारा हमें मतलब हमें अंदाजे से चलते हैं कि ये सारी चीजें होती होंगी इस टाइम के अराउंड जो नायक हैं राजा के अंदर जो भी नायक काम करते हैं वो भी आते होंगे और अलग-अलग गिफ्ट देकर जाते होंगे राजा को ठीक है चलो वाज दी महानवमी डिब्बा दैट स्टैंड्स टुडे द सेंटर ऑफ दिस एलाबोरेट रिचुअल ठीक है तो महानवमी डिब्बा के बारे में इतना कुछ हमने पढ़ा तो क्या महानवमी डिब्बा इनके पूरे स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था क्या तो देखो हम ये सारी चीजें ना अपने अंदाजे से बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा पर एग्जैक्टली महानवमी डिब्बा का क्या पर्पस है वो हमें नहीं पता ठीक है अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे इस एरिया को तो आपको ऐसा भी लगेगा कि ये एरिया इतना भी बड़ा नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे और परफॉर्मेंस वगैरह हो पाए तो हमें एग्जैक्टली इसका पर्पज नहीं पता पर हाँ हम कुछ कुछ अंदाजा लगा रहे हैं एक और स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं लोटस महल ठीक है तो उस टाइम पे कुछ ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे नाइनटीन सेंचुरी में उन्होंने इस स्ट्रक्चर का नाम रखा था लोटस महल अब ये सुनने में तो बहुत प्यारा सा लग रहा है है ना हमारे बुक में लिखा है कि बहुत ही रोमांटिक बहुत ही प्यारा सा नाम है पर अगेन एग्जैक्टली लोटस महल का क्या काम था ये हमें उतना अच्छे से नहीं पता है हम अंदाजा लगाते हैं तो जो मैकेजी थे मैकेजी ने एक अंदाजा लगाया कि शायद लोटस महल में क्या होता होगा राजा के सारे जो मंत्री हैं वो लोग राजा के जो सारे एडवाइजर्स हैं वो लोग साथ में बैठ के मीटिंग करते होंगे ठीक है अगेन ये हमारा एक अंदाजा है हमें एक टेम्पल भी मिला यहाँ पे जिसे हम हजारा रामा टेम्पल कहते हैं एंड हमारे अंदाजे से ये वाला जो पर्टिकुलर टेम्पल है इस टेम्पल में सिर्फ राजा और राजा की फैमिली जाती होगी इस टेम्पल में जब हमने थोड़ी और रिसर्च करी तो जो आ, मूर्तियां होती है ना टेम्पल की वो तो मिसिंग है ठीक है मूर्तियां तो नहीं है इस टेम्पल में वैसे भी उन्होंने जब राजा मर गए थे और जब लूट मची थी विजयनगर में तब लोग मूर्तियां उठाकर ले गए होंगे तो मूर्तियां तो मिसिंग है पर आसपास की जो दीवारें हैं वहां पर कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं इनफैक्ट वहां पर रामायण के भी कुछ जो सीन्स है उनकी ड्रॉइंग हो रखी है नेक्स्ट द सक्रेट सेंटर चूजिंग अ कैपिटल ठीक है थोड़ा और तुम्हें इन डिटेल बताया जा रहा है इसी एरिया के बारे में विजयनगर के बारे में अच्छा विजयनगर के बारे में मैं आपको बताती हूँ मैंने ये तो बताया तुंग नदी के पास है ये ठीक है तो जो लोकल लोग है ना उनका ये मानना है कि आसपास के जो हिल्स हैं वहां पर जैसे रामायण में हम लोग सुनते हैं ना सुग्रीव और वाली मंकी किंगडम इनका होता है ठीक है तो सुग्रीव और वाली जो है वो लोग यहाँ पर रहते थे उनका साम्राज्य यहाँ पर था ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है ठीक है और क्या ट्रेडिशंस कनेक्टेड है कुछ लोग कहते हैं कि इसी इलाके में पंपा देवी पंपा देवी अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब पढ़ा पंपा देवी मतलब यहाँ की लोकल गॉडेस हैं जिनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं तो ऐसा मानना है लोगों का कि यहीं पर पंपा देवी ने पक्षा से शादी करी थी पक्षा क्या है ऐसा माना जाता है कि शिव भगवान का ही एक फॉर्म है एक अवतार है एंड इसी के चलते यहाँ पे वीरुपक्षा टेम्पल भी बना हुआ है और हर साल ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसमें बेसिकली पंपा देवी और वीरुपक्षा भगवान की ये लोग शादी को सेलिब्रेट करते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर हमने जैन टेम्पल्स भी देखे हैं आसपास के इलाकों में आप देखोगे जैन टेम्पल्स भी आपको मिल जाएगा यहाँ के जो टेम्पल्स थे ना यहाँ के टेम्पल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना के लिए ही यूज करा जाता था यहाँ के टेम्पल्स में आप देखोगे और भी बहुत कुछ होता था ठीक है यहाँ पे लोग पढ़ने भी आते थे सीखने भी आते थे टेम्पल्स के आसपास बहुत सारे शॉप्स भी होते थे डांस एंड म्यूजिक भी होता था तो यहाँ पे टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर होते थे ठीक है नेक्स्ट हम लोग ऐसा मानते हैं कि विजयनगर के जो रूलर्स थे ना वो वीरूपक्षा अभी हमने पढ़ा ना शिव भगवान का ही एक फॉर्म तो विजयनगर के जो रूलर्स थे शायद वो वीरू वीरूपक्षा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि जब भी राजा लोग कोई रॉयल ऑर्डर लिखते थे ना तो लास्ट में हम अपना नाम नहीं लिखते लास्ट में ऑर्डर के बाद हम अपना नाम और साइन करते हैं ना तो ये साइन में अपना नाम नहीं लिखते थे ये लोग लास्ट में लिखते थे श्री वीरू पक्ष ठीक है तो वो भी कन्नड़ भाषा में लिखते थे तो मे बी यहाँ के राजा इस भगवान को बहुत ज्यादा पसंद करते थे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोपुरम एंड मंडप तो हमने वैसे पिछले कुछ चैप्टर्स में गोपुरम एंड मंडप मतलब आ, हम लोगों ने टेम्पल्स की जब बात करी थी तब मैंने तुम्हें समझाया था थोड़ा थोड़ा गोपुरम और मंडप क्या होता है अभी मैं थोड़ा और इन डिटेल बताती हूँ चलो अब मुझे बताओ यहां तक क्लियर है सबको हाई दी इट इज माई फर्स्ट टाइम वॉचिंग यू लाइव यू आर सच एन अमेजिंग टीचर फलक थैंक यू सो मच ठीक है सबको क्लियर है इजी अभी बस थोड़ा सा और रह रहा हमारा ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा फिर ठीक है फिर हम लोग शाम को छह बजे अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबको क्लियर है वेरी गुड आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले तो यार तुम लोग समझ लो कि गोपुरम होता क्या है तो ये एक इमेज है मेरे पास इसके थ्रू तुम समझ पाओगे तो बेसिकली ना यहाँ पर अच्छा रेड पेन उठा लेते हैं तुम्हें ब्लैक तो बिल्कुल नहीं दिखेगा इसके ऊपर है ना तो बेसिकली यहाँ पर एक मंदिर है ठीक है एंड इस मंदिर के ऊपर तुम्हें तो दिख रहा होगा एक बहुत ही बड़ा सा ऐसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना तो इस स्ट्रक्चर को हम गोपुरम कहते हैं ठीक है तो इससे पता है क्या होता है अगर मान लो कोई एक कहा करूं मैं अपनी अमेजिंग ड्रॉइंग यहाँ करते हैं ठीक है तो मान लो कोई एक साम्राज्य है ठीक है एंड इस साम्राज्य के बीच में एक मंदिर है और उस मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा सा गोपुरम बना हुआ है तो क्या होगा लोगों को ना बहुत दूर से दिख जाएगा कि भाई वहां पर कोई एक मंदिर है ठीक है तो ये होता था मेन मकसद गोपुरम बनाने का कि लोगों को दूर से पता चल जाए कि वहां पर कोई मंदिर है एंड पता है जो भी राजा लोग होते थे ना वो बहुत मेहनत से बहुत पैसा वैसा लगा के बहुत आलीशान गोपुरम बनाते थे क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा एक मानना था कि जिस राजा के साम्राज्य में सुंदर सा गोपुरम है वहां का राजा बहुत रिच होगा बहुत पावरफुल होगा ठीक है तो लोग गोपुरम के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लगाते थे ठीक है नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है ये जो एरिया है यहाँ पर दो टेम्पल हैं जिसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एक है वीरूपक्ष टेम्पल और एक है विथिला टेम्पल दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं शुरुआत हम करेंगे वीरूपक्ष टेम्पल से जो कि बहुत सेंचुरीज पहले बना था ठीक है एंड यहाँ पर एक हॉल है ठीक है और ये जो हॉल है एंड ये जो ओवरऑल टेम्पल है ये कृष्णदेव राय ने बनाया था ठीक है कृष्णदेव राय जब राजा बने थे तो उस इवेंट को मार्क करने के लिए उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करी थी यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कार्व पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ठीक है एंड एक सेंट्रल श्राइन भी है यहाँ पर ठीक है बीच में एक श्राइन है जहां पर भगवान की मूर्ति रखी हुई है जो हॉल्स होते हैं इस टेम्पल के इस हॉल्स में बहुत सारी चीजें होती है मैंने आपको पहले भी बताया लोग पूजा पाठ तो करते ही हैं साथ ही साथ म्यूजिक ड्रामा डांस इन सारी चीजों के लिए इस हॉल को यूज करा जाता है ठीक है तो ये वीरूपक्ष टेम्पल हो गया दूसरा टेम्पल क्या है विथिला टेम्पल विथला टेम्पल भी हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है विथला टेम्पल में मेन किसको भगवान माना जाता है विथला ठीक है विथला मतलब माना जाता है कि विष्णु भगवान के ही एक अवतार है तो उनकी पूजा यहाँ पर करी जाती है ठीक है नेक्स्ट ये जो टेम्पल है यहाँ पे चैरियट टाइप डिजाइन हमें देखने को मिला चैरियट मतलब रथ जैसा एक डिजाइन है यहाँ पर ठीक है नेक्स्ट पता है क्या है यहाँ पर आ, मान लो टेम्पल का जो मेन इलाका है वो ये है जहां पर हमने भगवान की मूर्ति रखी हुई है तो यहाँ से अगर आप सीधा 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 जाओगे ना तो यहाँ पर एक गली आ जाएगी और इस गली में क्या है बहुत सारे मार्केट्स लगे हुए हैं ठीक है लोग कुछ ना कुछ सामान बेच रहे हैं हो सकता है वो लोग प्रसाद बेचते हो सकता है वो लोग फूलों की माला बेचते हो बहुत सारे यहाँ पे मार्केट्स लगे हुए हैं ठीक है तो इससे भी आपको समझना है कि साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली टेम्पल वाले एरिया में बहुत कुछ होता था कल्चरल एक्टिविटीज होती थी सोशल एक्टिविटीज होती थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती थी ठीक है तो यही सारी चीजें आपको यहां पर भी बताई जा रही हैं टेम्पल के आसपास फोर्टिफिकेशन होता था बहुत प्यारी प्यारी दीवारें बनी हुई होती थी उनको भी बहुत ज्यादा डेकोरेट करा जाता था तो बस इतनी सी चीजें आप ये दो टेम्पल्स के बारे में याद रखना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लॉटिंग पैलेसेस टेम्पल्स एंड बाजार ठीक है तो अभी हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा यहाँ के टेम्पल्स के बारे में यहाँ के एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ के इरिगेशन के बारे में इतना कुछ पढ़ा हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन आई कहाँ से तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो हमारे मैकेजी थे उन्होंने एक सर्वे करा था इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे जो कुछ कुछ लिख कर चले गए उनके अकाउंट से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला ठीक है नेक्स्ट क्या था ट्वेंटी सेंचुरी में पूरा हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और जो कर्नाटका डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स हैं इन लोगों ने भी यहां पर बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी ठीक है 1976 में हमने ये भी कह दिया था कि हम्पी वाला इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कहा कि दिस एरिया इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ठीक है हमने कहा कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसे प्रिजर्व करेंगे 1980s में हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया था जिसके थ्रू हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में पता लगा रहे थे हम लोग सर्वे करते थे एंड अलग अलग रिकॉर्डिंग टेक्निक्स को भी यूज करते थे ये पता लगाने के लिए कि विजयनगर नगर एम्पायर में क्या हुआ तो एक तरीका था हमारा सर्वे करने का मैपिंग करने का जिसके थ्रू हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पता लगाया हमने क्या करा पहले तो हमने पूरे विजयनगर एम्पायर को उठाया ठीक है फिर हमने इस पूरे एम्पायर को ट्वेंटी फाइव छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट दिया ठीक है तो ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर ऐसे ठीक है तो पहले हमने पूरा विजयनगर का एम्पायर उठाया फिर हमने क्या करा इसे ट्वेंटी फाइव छोटे छोटे बॉक्सेस में बांट दिया एंड इन ट्वेंटी फाइव छोटे छोटे बॉक्सेस को हमने एक एक अल्फाबेट दिया हमने कहा कि इस डब्बे को हम ए कहेंगे दूसरे डब्बे को बी कहेंगे इसे सी कहेंगे तो पहले विजयनगर एम्पायर को समझने के लिए हमने उसे ट्वेंटी फाइव हिस्सों में बांटा एंड ट्वेंटी फाइव हिस्सों को कुछ कुछ नाम दिया आगे जाकर हमने क्या करा इन ट्वेंटी हिस्सों को और छोटे छोटे हिस्सों में बांटा कुछ टाइम के बाद हमने क्या करा उन छोटे को भी और छोटे -छोटे में and उन छोटे 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 हिस्सों हिस्सों को को भी और में बांटा एंड इलाकों एक एक करके हमने स्टडी करा हमने पता लगाया वहां पे फार्मिंग कैसे होती है वहां पे टेंपल्स कितने थे वहां पे रोड्स कैसे थे वहां पे बाजार कैसे थे ये सारी चीजें एक एक करके हमने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी ठीक है इस टाइम के अराउंड कुछ लोग थे ठीक है कुछ हमारे रिसर्चर्स थे जैसे कि एक थे जॉन एम फ्रिट्स ठीक है जॉर्ज मिशेल एम एस नागराज राव इन सब ने एक चीज कही कि विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर आप रिसर्च करो तो हमें ये अंदाजा लगता है कि ये लोग वुडन चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते होंगे अपने कंस्ट्रक्शन में हालांकि वुड बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता तो हमारे पास ज्यादा प्रूफ नहीं है पर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं वुड का यूज जरूर करते होंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर इस टॉपिक में तुम्हें बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग्स सर्वाइव कर जाते हैं ठीक है विजयनगर एम्पायर के बहुत सारे बिल्डिंग्स आज के टाइम पे सर्वाइव कर रहे हैं तो इन बिल्डिंग्स को देखकर हम क्या 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 अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है तो जब हम बिल्डिंग्स को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि उस टाइम के लोग किस टाइप के मटीरियल और टेक्निक को यूज करते होंगे कंस्ट्रक्शन के लिए है ना हमें मिलिट्री के बारे में भी आइडिया लगता है जब हम आसपास के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं दीवारों को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि मिलिट्री डिफेंस उस टाइम पर कैसा था जब हम बिल्डिंग्स में ये देखते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या डिजाइन बने हुए हैं तो हमें ये अंदाजा लगता है कि वहां का कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा था ठीक है तो बिल्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये भी आइडिया लगता है कि जो लोग बिल्डिंग बना रहे थे उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था कल्चरल कंटेक्स समझ आता है नेक्स्ट जैसे विजयनगर की अगर हम बात करें तो विजयनगर में हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हम इन इंस्क्रिप्शन को भी बिल्डिंग के साथ रिलेट कर सकते हैं तो इसीलिए भी बिल्डिंग्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पर याद रखना ये एक चीज है जो मैं तुम्हें बार बार हिस्ट्री में बताती रहती हूँ ये जो भी चीजें हैं बिल्डिंग्स हो गया इंस्क्रिप्शन हो गया इस सब से हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला राजा रानी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला पर जो साधारण लोग थे उनके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसी के साथ तुम्हारा एक और चैप्टर फिनिश होता है ठीक है हाँ अन्वेषा थैंक यू सो मच चलो तो यहां तक क्लियर है सबको चैप्टर फिनिश हो गया है एक और चैप्टर के सामने इंडेक्स में टिक लगा दो अगर इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो आई वुड एक्सपेक्ट मेरे बच्चे एग्जाम में संभाल लेंगे अब हम लोग क्या करेंगे तुम्हारी एक और क्लास है आज शाम को छह बजे सूफी ट्रेडिशन चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे थोड़ा सा लंबा सा चैप्टर है मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को उस चैप्टर में दिक्कत आ रही होगी तो ये टाइम याद रखो आज शाम छह बजे सारे बच्चे टाइम से पहुंच जाना एक और चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे हाँ लाइबा भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन वाला चैप्टर ही कह रही हूं वो आज शाम को छह बजे होगा ठीक है कल कुछ इश्यूज के वजह से क्लास हो नहीं पाई तो मैंने उस क्लास को आज छह बजे शिफ्ट कर दिया था तो इसीलिए ये वाला चैप्टर पहले हो गया ठीक है तो हाँ अन्वेषा दिक्कत आ रही आज दो अन्वेषा है क्या क्लास में अरे वाह एक अन्वेषा आती है मैं तो तभी खुश हो जाती हूँ आज दो हैं बहुत बढ़िया चलो तो अः हाँ जो बच्चे कह रहे हैं नाम याद करने में दिक्कत होती है मुझे पता है यार तुम्हें उस चैप्टर में दिक्कत आती होगी डेफिनेटली बाकी चैप्टर से थोड़ा लंबा भी है बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा उसने आ, नाम वाम ठीक है चीजें रटने को ज्यादा दे रखी है तो टेंशन मत लो हम उस चैप्टर को कवर करेंगे बस टाइम से क्लास में पहुंच जाना स्टार्टिंग से एंड तक सुनना छह बजे आ जाओ हम उस क्लास को उस चैप्टर को फिनिश करेंगे ठीक है चलो बच्चों तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं ठीक है बाकी अब हम लोग अपने छह बजे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे सब लोग टाइम से आ जाना अगर तुम्हें लगा कि ये सेशन तुम्हारे लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड और भी वीडियोस तुम्हें मिलती रहे शेयर करो सबको बताओ कि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज की भी क्लासेस होती है एंड शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कॉमेंट सेक्शन चलो बच्चों अभी के लिए इतना ही अब हम लोग मिलते हैं एकदम शार्प छ बजे टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू